किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योड़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझ कर छोड़वाए थे, वहां उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते क्या हुआ मैडम? ये आप क्या ढूंढ रही हैं उसमें? मैंने बहुत सारी पुरानी चिट्ठियां फाड़ दी, लगता है गलती से मैंने वो चिट्ठी भी फाड़ दी। कौन सी? वो जतिन चौधरी साहब वाली, वो जो हमारे पे किताब लिखने वाले हैं। वो साहब जो इतवार को आ रहे हैं? हाँ। वो चिट्ठी तो यहाँ रखी है मैडम, आपकी किताब में है। चलो, थैंक गॉड। और ये तुम क्या कर रहे हो? आपके ऑटोग्राफ चाहिए मैडम। क्यों? अगस्त महीने में बहुत लोग पैदा होते हैं, इस महीने में सबसे ज्यादा कार्ड जाते हैं। शिवदत्त, अब ये कार्ड सुभाष का बंद ही कर दो। क्यों मैडम, इतने सालों से आप भेज रही हैं, अब तो वैसे भी बहुत कम। बहुत कम रह गए ना, सब अपनी अपनी पारी खेल कर चले गए। सॉरी मैडम, मुझसे निकल गया। अरे मुंह क्यों लटकाया बैठा है? ये नूरी का कार्ड हम नहीं भेजेंगे। क्यों मैडम? लेकिन वो तो अभी आपसे मिलकर गई है, बल्कि मेरा सलाम भी लिखेगा। उनका एड्रेस बदल गया है। ये कुछ ठीक लग रहा है मैडम। अरे भाई ट्रे में लाया करो, परसों से सिखा रही हूँ। सॉरी मैडम, वो ट्रे मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। दूसरा ट्रे नहीं है घर में? घर में दूसरा ट्रे नहीं है? है मैडम, लेकिन लेकिन क्या? वो प्लास्टिक की ट्रे आपको पसंद नहीं है ना? मैंने कांच और लकड़ी की ट्रे के लिए गोयल साहब को फोन किया था, लेकिन गोयल साहब का नंबर जोड़ो, हम उनसे बात करेंगे। हम नहीं चाहते कि जब वो जतिन चौधरी साहब यहाँ आए तो आप इस प्लास्टिक की ट्रे में उनको चाय और नाश्ता पेश करें। ठीक, आज दिन क्या है? इतवार के पहले ट्रे आ जाएगी मैडम। अरे शिवदत्त, ये उस दिन के लिए ये हार हम पर कैसा लगेगा? ये बहुत भारी है मैडम, आप वो जो पहनती है ना कभी कभी, हल्का फुल्का वो सफेद रंग का, ये वाला। हाँ, मैं समझ गई। अरे ये तो हम हैदराबाद से खरीद के लाए थे। ये बहुत अच्छा है मैडम, 2000 रुपए में, अब तो कम से कम 25-30 का तो होगा। शिवदत्त, तुमको वो गुलबंद याद है जो हमने बेच दिया था?
30,000 रुपए में बिका और खरीदा 3,000 रुपए में। जब मैं वो गुलूबंद पहना करती थी तो सिंह साहब शेर सुनाया करते थे गर्दन पे। क्या था वो कौन सा शेर था? मुझे याद नहीं मैडम। अब तो गर्दन दुबली हो गई, वो गुलूबंद लटकने लग गया था ना, इसलिए हमने पेश डाला। सिंह साहब होते तो कभी नहीं बेचने देते। गोयल साहब, बहुत मुश्किल हो रही है। जो पैसे आप दे गए थे वो खत्म हो रहे हैं। वो तो आज सुबह कह रही थी गाड़ी निकालो, शॉपिंग करने जाना है। गाड़ी है कहाँ, ढांचा खड़ा है गैरेज में, टैक्सी में ले जाओ जाना हो तो। पहले भी तो एक बार ले गया था ना गोयल साहब, क्या हुआ? दुकानदार तो उनकी शक्ल देखते ही कुछ भी दे देते हैं। फिर आधी चीजें वापस की थी और आधी के पैसे भरे थे। अरे यार मैडम, कुछ समझती तो है नहीं, ठाट बाट उनके कम होते नहीं। इतना बड़ा बंगला लेकर बैठी हैं, कैसे होगा मेंटेन? उन्हें कहो किसी फ्लैट में शिफ्ट कर जाएं। ये आप क्या बोल रहे हैं गोयल साहब? देखिए, उनसे मत कह दीजिएगा, उन्हें पहले एक हार्ट अटैक पड़ चुका है, प्लीज। तो भाई मैं कैसे चलाऊं उनका खर्चा? इंश्योरेंस का सारा पैसा वो खा चुकी हैं, जेवर एक एक करके निकलते जा रहे हैं। भाई आदमी को लाइफ में प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। क्या ट्रे? अब सारी दुनिया प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल कर रही है और उन्हें एक ट्रे से एतराज है। गोयल साहब, आप एक हेलो 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 शिवदत्त, हेलो। क्या बात है मैडम? नींद नहीं आ रही है। गोलियां कहाँ हैं? गोलियां तो खत्म हो गई। विस्की खत्म हो गई, ब्रांडी खत्म हो गई, गोलियां खत्म हो गई, हम ही रह गए। हम कब खत्म होंगे? भगवान ना करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए ना,
मुझे भी नींद नहीं आ रही। आइए रमी खेलते हैं। क्या फायदा, हारते हो तो पैसा नहीं देते हो। ओहो, मैंने सब हिसाब लिखा हुआ है, एक दिन बैठ के आराम से हिसाब कर लेंगे। याद है जब नीतू और निलोफर ये सब लोग वीकेंड के लिए आया करते थे, कितना मजा आता था। सिंह साहब भी यहाँ नहीं होते थे। अरे वही तो, नीतू की मुलाकात श्याम सुंदर से हुई थी और उनका कुछ भी नहीं है, बस डिप्रेशन है, मूड खराब है। क्यों, शिबू ने कुछ कहा क्या या गोयल ने? अरे मुस्कुराओ भी। हमेशा सोचती रहती हो, फिक्र करती रहती हो, खाली वक्त में बैठकर अपने मेमोर्स लिखो, एक किताब लिखो अपनी जिंदगी के बारे में। नब्स तो चल रही है ना? हाँ चल रही है, लेकिन अगर इसी तरह रात रात भर तुम जागती रही तो कैसे चलेगी? हाँ, दिल पे जो तुम बोझ डाल रही हो वो उसे सह नहीं पा रहा। किसी भी दिन खड़े खड़े फ्यूज उड़ सकता है इसका, समझी? सुनो, ये गोली मंगवा लो, रात को खाकर सो जाना, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। ओके, आई। अभी कितनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं। आहा, तो बिल्कुल जापनीज लग रही हूँ। आहा, आज अपने आप से क्या बातें हो रही हैं? कुछ राजदाराना बातें। इस आईने में हमारी एक सहेली रहती है, जानते हो उसे? जी बिल्कुल, अच्छी तरह जानता हूँ, नींबू पानी। तुम्हें हम पसंद है या हमारी सहेली, एक ही कहना। वापस आके बताता हूँ। थैंक यू। नाइस। मैडम, चौधरी साहब आए हैं। चौधरी? ओ, उनको बहुत इज्जत से बिठाना और अच्छी चाय बनाना, और सुनो अंदर से टी सेट निकालना, हम बस अभी तैयार होकर आते हैं। जी बेहतर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू। चाय पियेंगे आप? जी, आई डोंट माइंड। शिवदत्त जी, आया मैम साहब। इनके लिए चाय लेके आना। जी तैयार है। आपको हमारा पता किसने बताया? जी गोयल साहब ने, आपके मैनेजर है ना बॉम्बे में। हाँ, उन्होंने बताया।
हाँ बहुत अच्छे इंसान है वो, सालों से हमारा काम संभाल रहे हैं, देख रेख तो अभी भी वो ही करते हैं जी। लाना शिवदत्त, हमारे लिए नहीं बनाना जी। आप कितनी शक्कर लेते हैं जी? बस एक चम्मच। हाँ, हम हमेशा से तन्हाई पसंद थे, आदतन ज्यादा काम करने का शौक तो कभी था ही नहीं, और जबकि प्रोड्यूसरों का तांता लगा रहता था, हम बम्बई से भागकर यहाँ आके छुप जाया करते थे, इसलिए कम पिक्चरों में काम किया है। थैंक यू जी। ये स्टैच्यू हम इटली से लेकर आए थे, बहुत संभाल कर लाना पड़ा साहब। अच्छा अच्छा। ये पहले हमारे बम्बई के मकान में था। आपने हमारा बम्बई का मकान देखा है? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। ओ जी, मैं आपका मकान देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, जरूर आइए हमारे साथ। अजी साहब, हमने इस मकान को बहुत शौक से बनवाया था, सिंह साहब के और मेरे इतने झगड़े हुआ करते थे, कभी पत्थर के चुनाव पर, कभी लकड़ी के इंतखाब पर, और ये सारा संगमरमर सिंह साहब खुद लेकर आए थे, मगर मकान का नाम तो हमने ही दिया था, सनसेट बुलेवार्ड। एक इंग्लिश फिल्म आई थी इसी नाम की, उसकी कहानी भी एक एक्ट्रेस की थी, और ये पिंजरा जिसमें हमने कभी किसी परिंदे को नहीं रखा, एक दिन तो हमने घबरा के इनसे कह दिया कि भाई हम ही को कैद कर लो ना इसमें, तो कहने लगे सयाद परिंदों के पर काटते हैं, हम तो परी के पर काट कर लाए हैं। ये है हमारे सिंह साहब। बहुत छोटी सी थी हमारी शादीशुदा जिंदगी, सिर्फ 3 साल 4 महीने और 18 दिन। आपको हमसे कुछ और पूछना है? जी हाँ, इस मकान का एरिया क्या है? एरिया? जी हाँ, बिल्ट अप एरिया। वो तो गोयल साहब को भी मालूम होगा। ठीक है, मैं गोयल साहब से पता कर लूंगा। बेडरूम्स कितने हैं? गोयल साहब ने आपको यहाँ किस लिए भेजा? जी वो उन्होंने कहा कि ये मकान देख लो, शायद जल्दी बेचना पड़े अगर कोई ग्राहक तैयार हो तो। आपका नाम? जी मैं आलोकनाथ चौधरी हूँ, प्रॉपर्टी ब्रोकर, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने की दलाली करता हूँ। I'm sorry, अगर मैंने आपको कुछ देखिए यू मैडम प्लीज गेट आउट मैडम गेट आउट ऑलराइट यस गेट आउट यस यस यस